देखो कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, मान लो I1 करंट आया, तो इस बॉडी में मान लो एक वॉल्यूम है, ये कोई बॉडी है, और इसके अंदर I2 करंट बाहर निकल गया। ये बॉडी कैपेसिटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसमें से करंट को पास करवाना है। तो कह रहे कंसिडर क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम, मान लो कोई चार्ज एंटर कर रहा है किसी वॉल्यूम में और साथ में निकलता भी जा रहा है। अब दो केस हैं, अगर कोई चार्ज एकुमुलेट नहीं होता उस बॉडी में, वो बॉडी कोई चार्ज स्टोर नहीं करती, तो इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। तो इसके अंदर सेम है, वो कह रहे हैं कि चार्ज एंटरिंग एंड लीविंग द वॉल्यूम इज सेम। अगर चार्ज एकुमुलेट करता है वॉल्यूम में, किसी वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा होता है, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि जितना करंट आया, जितना चार्ज आया, उतना बाहर निकल नहीं पाया, कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि मान लो अगर चार्ज इकट्ठा हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ले लो, आई करंट आया था, चार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ऑरिजिनेट हो गया। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसिडर करते हो अपने कंडक्शन करंट के साथ, तो फिर तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। आई करंट आएगा, फिर वो बॉडी में जाके आई करंट आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा। इसके लिए वो ये कह रहे हैं, काम करते हैं मैथमेटिकली, शीट कहाँ गई, ये दी। तो मान लो I1 करंट इसमें एंटर करता है और I2 करंट बाहर निकलता है, तो I1 इंटू DT चार्ज एंटर करता है, I2 इंटू DT चार्ज बाहर निकलता है, I1 इंटू DT चार्ज एंटर करता है, I2 DT बाहर निकलता है, और चार्ज अगर इकट्ठा हो रहा है तो बीच में DQ चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है और Q इनसाइड है। DT की वैल्यू यहाँ से यहाँ ले आओ, तो आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.ds यानी कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म इधर ले आओ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू इनसाइड बाई DT, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो तुम एक काम करो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये प्रूव हो गया कि अगर I1 करंट आ रहा है और I2 बाहर निकल रहा है, तो बीच में जो चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है उसकी वजह से करंट का नाम है, उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट और बाहर निकल हुए करंट को मिलाएं, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज एकोमुलेट करने की वजह से करंट है। तो ये कॉन्टिन्यूटी, इसे बोलते हैं कि मेंटेन हो गई। और अगर आप ये नहीं लेंगे तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी, बस ये बता रहे हैं। तो ये टॉपिक मैंने आता देखा नहीं है कभी बुक्स में, पर SL के अंदर ये गिवन था तो मैंने करवा दिया, सैम्पल पेपर के अंदर भी कई बार गिवन होते हैं, मैंने करवा दिया। वैसे आज तक ये पिछले 15 साल में आया नहीं है कभी, ठीक।